आज के इस समारोह कार्यक्रम में श्री राम कथा पार्क में उपस्थित सभी पूज्य संत चरण, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, माननीय सांसद श्री लघु सिंह जी, महापौर श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी, विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी यहाँ पर उपस्थित प्रशासनिक पुलिस के अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, 29 अगस्त को देश के राष्ट्रपति जी ने भारत की अलग अलग लोक भाषा में राम यानी जन जन में राम इस एक कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया था। इसी स्थल से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया था। हम सब जानते हैं कि राम हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली भाव है, लेकिन विभाग की और मनुष्य की अपनी एक सीमा, उस सीमा का अतिक्रमण न करते हुए संस्कृति विभाग ने दीपावली के दो दिन पूर्व, तीन दिन पूर्व यह तय किया था कि हम लोग इस कॉन्क्लेव को यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम जो देव प्रदेश के 16 स्थलों पर हुए हैं उन सभी कार्यक्रमों को समाहित करते हुए हम इस आयोजन को अयोध्या में ही फिर उसका समारोह करके फिर दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ जोड़ेंगे। आज ये मेरा सौभाग्य है कि दीपोत्सव कार्यक्रम की समीक्षा के बहाने मुझे यहाँ आना था। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे अफगानिस्तान की एक बालिका के द्वारा भेजे गए जल को उपलब्ध कराया। आप सोचिए कि अफगानिस्तान के काबुल में भाई साहब एक बालिका कैमरा मारे तालिबान के आतंक के साये में रह रही है, लेकिन उसने वहां से काबुल नदी यानी जैसे अयोध्या में सरयू जी है वैसे काबुल में काबुल नदी है, तो काबुल नदी का जल भेजा है कि राम जन्मभूमि में हम सब की तरफ से इसको अर्पित करवाएगा और आज उसी जल को यहाँ पर आया था। तो मुझे एक साथ ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं श्री राम जन्मभूमि का दर्शन भी कर लूँ, पूज्य संतों का भी दर्शन कर लूँ और उस बालिका और अफगानिस्तान की उन ढेर सारी बेटियों की ओर से जो आतंक के साये में रह रही हैं उन सब की ओर से भगवान श्री राम के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए काबुल नदी का जल भी वहां समर्पित कर सकूं। तो रामायण कॉन्क्लेव का इससे अच्छा समारोह और क्या हो सकता है। हम सब की आस्था के प्रतीक हैं और हम सब ये भी जानते हैं कि माता की गई तो उसी देश से थी अफगानिस्तान से। हमारे पौराणिक और ऐतिहासिक संबंधों को कोई नकार नहीं सकता है। तो यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम एक अच्छा रहा कि लोक कथा, लोक भाषा, लोक परंपरा में राम को लिपिबद्ध कैसे किया जा सकता है। मैं अभी यही पूछ रहा था, यहाँ पे इतने हमारे पूज्य संत जन थे, मैं धर्मदास जी को छोड़ दो जिनको पढ़ने लिखने से बहुत मतलब नहीं होता है, लेकिन शेष संत जन तो हमारे पढ़ने लिखने में रुचि देते हैं। अभी वाणी प्रकाशन ने बहुत अच्छे ग्रंथ लिखे हैं, यानी चार वॉल्यूम का इतना मोटा ग्रंथ है भारत की भाषाओं में राम। अभी एक वॉल्यूम और आया है, यानी दो वॉल्यूम का एक और ग्रंथ का भी यहाँ पर विमोचन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और मैं चाहूँगा कि संस्कृति विभाग के पूज्य संतों के पास जरूर उन ग्रंथों को भिजवाएं क्योंकि उनके लिए भी उपयोगी होगा और उनके महत्वपूर्ण सुझाव वाणी प्रकाशन को भी और आप सबको भी प्राप्त होंगे, जिससे इसमें अयोध्या शोध संस्थान के द्वारा
जो कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है वह एक नई ऊंचाइयों तक पहुंच सके। मैं आज के इस अवसर पर जो एक कार्यक्रम किया गया है उन सभी कलाकारों का, रंग कर्मियों का, जन जन के राम के साथ जुड़े हुए लोक कलाकारों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, पूज्य संतों का अभिनंदन करता हूँ और संस्कृति विभाग को हृदय से धन्यवाद देते हुए हम सब 3 नवंबर को यहाँ पर दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे।